हेलो एवरीवन वेलकम बैक वेलकम टू आई केयर टेकर आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट आज की वीडियो में हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन लोगों ने अपनी स्क्विंट की सर्जरी करा ली है उसके बाद भी उनकी आंख में थोड़ा बहुत स्क्विंट बचा हुआ है और किसी किसी पेशेंट्स में स्क्विंट सर्जरी के बाद अच्छा खासा स्क्विंट वापस से आ जाता है ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री तो क्या सर्जरी के बाद हमारी स्क्विंट की सर्जरी फिर से हो सकती है या फिर फिर से सर्जरी होना पॉसिबल नहीं है तो जब हम स्क्विंट सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आपकी आंख की जो मसल्स होती है उसमें से किसी मसल्स को थोड़ा काट के छोटा करा जाता है जैसे मान लीजिए जब आपकी आंख बाहर की तरफ रहती है तो आपकी आंख की अंदर वाली मसल्स को थोड़ा काट के उसको अंदर छोटा करा जाएगा और आपकी आंख सीधी हो जाएगी अब मान लीजिए आपकी आंख थी पहले 40 टू 50 डिग्री बाहर अप्रोक्स उसको हमने आपकी अंदर वाली मसल काट के आँख को को सीधा कर दिया। अब उसके बाद आपकी आंख में फिर से स्क्विंट आ जाता है या फिर मान लीजिए 10 से 15 परसेंट या 20 परसेंट स्क्विंट बच जाता है तो क्या वहां फिर से सर्जरी हो सकती है तो किसी किसी केस में स्क्विंट फिर से आने के चांस होते हैं जैसे कि अगर आपकी आंख में एम्बलायोपिया है लेजी आई है उस केस में आंख बाहर जाने के चांस होते हैं आपकी आंख में नजर कम है तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हम पहले सारे टेस्ट करते हैं स्क्विंट सर्जरी से पहले वो सारे टेस्ट करने के बाद हम लोग आपको बता देते हैं कि स्क्विंट वापस से आने के चांस होते हैं या नहीं होते तो फिर से सर्जरी होने के लिए पहले कुछ जांचें करी जाती हैं अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का फोर्टी टू फिफ्टी डिग्री स्क्विंट ठीक हो गया अब उसके बाद फिर से अगर पेशेंट कि आंख में थोड़ा 10 डिग्री या 15 20 डिग्री स्क्विंट है या फिर थोड़ा आ गया है वापस से तो क्या फिर से उनकी सर्जरी हो सकती है तो उनकी सर्जरी करना फिर से पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक मसल को काट के भी लिमिटेड छोटा कर सकते हैं ऐसा तो यानी पूरी मसल को काट के पूरी मसल ही हटा दें तो एक लिमिटेड पार्ट को ही हम लोग काट सकते हैं और उसके बाद आपका स्क्विंट ठीक कर सकते हैं बाकी कुछ कुछ पेशेंट में स्क्विंट सर्जरी के बाद डबल विजन भी देखने को मिलता है किसी किसी पेशेंट में एग्जोफोरिया भी देखने को मिलता है जैसे आंख कभी कभी बाहर जा रही है तो इन सारी चीजों के साथ आपको अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी डबल विजन और एग्जोफोरिया के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी जैसे कि सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है पैन एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने का सही तरीका 99% लोग नहीं जानते आपको पैन की टिप को देखना है उसके बाद इसको पास लेके आना है एक पॉइंट आता है जहां पे पेन की टिप ब्लर हो जाती है बहुत लोगों की क्या होता है कन्वर्जेंस इन्सफिसियंसी होती है तो उनकी आंख पूरी पास जा भी नहीं पाती जैसे मेरी तो दोनों पास जा रही है उनकी एक आंख बाहर ही रहेगी तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिसंसी तो पेन को जब हम पास लाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे पेन ब्लर हो जाता है उस पॉइंट के बाद हमें तुरंत पेन वापस नहीं लेके जाना इस इसकोट वाले लोगों को क्या करना है पास पेन लाने जब पेन ब्लर हो जाए तो उसको जोर दे साफ़ करने की कोशिश करनी है जोर देना है और कम से कम तीन सेकेंड के लिए होल्ड रखना है उसके बाद फिर दूर लेके जाने फिर पास लाने जब आप इस पॉइंट पे रोक के इस पर फोकस करके पेन को क्लियर करते हो उस टाइम आपकी मसल मेन वर्क करती है और अच्छे से आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर होती है बाकी इसके लिए ट्रीटमेंट भी होता है तो ट्रीटमेंट के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन कर सकते हो तो हमारी पूरी मेडिकल किट होती है जिसमें आपको कुछ मल्टीविटमिन दी जाती है जैसे किसी किसी पेशेंट को क्या होता है एक्सरसाइज ज़्यादा करने से हेडेक भी होता है तो वो उस ट्रीटमेंट से आराम मिलता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब